एप्पल बेर की फसल फरवरी महीने तक ख़त्म हो जाती है, इसके बाद इसकी कटिंग करनी पड़ती है और हर साल एप्पल बेर की कटिंग करनी होती है। यदि बहुत बड़े क्षेत्र में एप्पल बेर लगा हुआ होता है तो इसमें कटिंग के लिए या तो किसान भाई लोग पावर टूल्स का प्रयोग करते हैं या फिर मैनुअल कटिंग के लिए हैंड हैक्सा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आज हम कुछ यंत्रों के बारे में जानकारी देंगे कि कौन सा यंत्र ज़्यादा सूटेबल रहेगा। कुछ किसान भाई जो बड़े स्तर पर इसकी खेती करते हैं तो कुछ लोग पावर टूल्स का भी प्रयोग करते हैं, जैसे पावर सॉ होता है, जो ग्राइंडर होता है उसमें जो ब्लेड बदल देते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं, और पावर हैक्सा होता है जो कि एक तो पेट्रोल इंजन वाला होता है, फिर एक मोटर से भी चलने वाला होता है, बिजली से चलने वाला, तो उसका प्रयोग करके इसकी कटिंग करते हैं। लेकिन जब इसमें जड़ों को नीचे से कटिंग की जाती है, 1 फीट की ऊंचाई से कटिंग की जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होता है। यदि पावर सॉ से कटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा ध्यान देना है कि नीचे से पौधा जो फट ना जाए। और जो बाकी जो किसान भाई लोग हैं थोड़े में है मैनुअली उसको करते हैं, तो उसके लिए कुछ हैंड एक्सा का प्रयोग करते हैं या फिर उसके लिए कुछ आरी और होती है उसका प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर जो आरी का प्रयोग करते हैं और कौन सी आरी ज़्यादा सूटेबल रहेगी, कम खर्चे में इसकी और अच्छी कटिंग हो जाएगी, उसके विषय में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आरी है, एक तो ये वाली आरी है जो कि ये एक बार आप इसको खरीदते हैं तो इसमें जो इसके जो धारियाँ होती हैं कटिंग करने के बाद ये धारी सीधी हो जाती है, तो फिर से इसको जो है इसको टेढ़ा करना पड़ता है, इसमें सान धरा जाता है, तो वो वाली प्रक्रिया करनी होती है, थोड़ी ये खर्चीली होती है। और इसकी जगह पर हम यहाँ पर जो प्रयोग करते हैं, हम ये वाला ब्लेड का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं इससे लोहे काटने का जो है काम किया जाता है, इस वाली जो लोहे की आरी होती है, लोहे काटने वाली आरी होती है, इसमें एक साइड में लोहे काटने वाला इसमें दांती बने होते हैं और दूसरे साइड में ये लकड़ी काटने वाली दांती होती है, जैसा कि ये ब्लेड इसका होता है। तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं, इससे लोहे भी काट सकते हैं, दूसरे साइड में लकड़ी काटने वाली यहाँ पर दांती बनी होती है। तो ये वाली ब्लेड जो आती है ये 15-20 रुपये की मिल जाती है, ये ब्लेड ख़राब होती है फिर दूसरी हम बदल देते हैं, तो इससे काफ़ी आसानी से कटिंग हो जाती है। तो यदि आपको मैनुअली कटिंग करना तो ये आरी आपके लिए काफ़ी सही होगी। और जो दूसरी आरी होती है, ये वाली जो आरी होती है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो दांते ख़राब हो जाते हैं तो फिर इसको जो है हर कोई आसानी से ठीक नहीं कर पाता, इसमें रेती से इसकी जो इसका जो धारी होती है इसको बनाया जाता है, तो ये थोड़ा महंगा होता है। तो उसकी अपेक्षा यदि आप ये वाली आरी का प्रयोग करते हैं तो बेर की कटिंग करना आपको काफ़ी आसान रहेगा। और बेर की कटिंग 2-3 बार की जाती है, एक तो इधर फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल महीने में लोग कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद इसका जून और जुलाई महीने में भी एक बार कटिंग की जाती है। तो इस तरीके से जो 1-2 बार इसकी कटिंग होती है तो उसके लिए आप ये वाली आरी अगर मैनुअल में प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। और यदि आप पावर हैक्सा का प्रयोग करते हैं, बिजली की व्यवस्था है, तो वो आपके लिए सस्ता पड़ेगा और आसान भी रहेगा यदि बड़ा प्लॉट आपका है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आपके लिए जो सूटेबल है, हैंड में आपको हैंड ऑपरेटेड करना है, मैनुअली करना है, तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं, काफ़ी सही रहेगा। तो जैसा कि हमारे पास ये दोनों आरी हैं और इसका प्रयोग करके आपको दिखाते हैं, ये वाली जो आरी, इसकी जो दांती हैं थोड़ा सीधी हो गई है, पहले इससे देखते हैं इससे किस तरीके से कटिंग हो रही है। तो ये वाला जो हमारा एप्पल बेर का पौधा है, पिछली बार हमने इसकी कटिंग किया हुआ था, तो फिर से इसमें जो नई ब्रांचें आई थी, करीब यहाँ पर 5-6 ब्रांच हमने रखा हुआ है, अब फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करते हैं और इस तरीके से देख सकते हैं इसकी जो धारी है ये सीधी हो गई है, तो इसमें गैप कम बन रहा है, तो इससे अच्छे से कटिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। तो दूसरे वाले से करते हैं दूसरे, और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होता है, जब हम बेर की कटिंग करते हैं तो पौधे को दूसरे साइड में इसको थोड़ा सा दबा कर रखेंगे, तो यहाँ पर इसकी जो कटिंग हो रही है तो इसके जो गैप है ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसमें आरी आसानी से चलेगी। तो ये थोड़ा सीधी हो गई है, तो अब इसमें फिर से स्थान रखना होगा। लेकिन ये वाला जो ब्लेड है, ये इसकी नई ब्लेड लगी हुई है, तो यहाँ से इससे कटिंग करके देखते हैं किस तरीके से कटिंग होती है। ये सामने वाली शाखा में भी यहाँ थोड़ा फंस रहा है, तो इस तरीके से देख सकते हैं इसकी इससे कटिंग आसानी से हो जा रही है। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसकी ये कटिंग हो गई। एक दूसरी ब्रांच की भी यहाँ पर हम कटिंग करते हैं, और हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो एक साइड से इस तरीके से कटिंग करें कि एक साइड से इसको थोड़ा सा झुका दें, और उसके बाद जब इसकी कटिंग करेंगे तो इसका जो एक धारी बनेगी ये थोड़ा सा
यहाँ पर गैप बना हुआ रहेगा तो इसमें ब्लेड फंसेगी नहीं। और इसको देखते हैं दूसरे साइड से, थोड़ा सा इसको इस तरीके से दबा देते हैं और फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से इसकी कटिंग हो गई है। तो ये वाला ब्लेड का प्रयोग करते तो आपके लिए सस्ता भी रहेगा, और जैसे इसकी धारी जो है ये सीधी हो जाती है तो आप फिर से इसको दूसरा ब्लेड बदल सकते हैं और आसानी से एक दो एकड़ की कटिंग हो जाएगी। तो किसान भाई, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।